आगे बढ़ते हैं। अदालतों में पेंडेंसी कम करने की कवायद में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों ने कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में यह कवायद थोड़ी धीमी नजर आती है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी जजों की स्वीकृत संख्या 50 है, जो कभी भी पूरी तरह से भरी नहीं गई। एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कवायद की जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में 50 पदों में से मात्र 33 जज कार्यरत हैं। अक्टूबर 2014 में जजों के पद को बढ़ाया गया था। हाईकोर्ट में 40 से बढ़ाकर 50 पद किए गए थे। 4 साल बाद भी कभी भी पूरे पद भरे नहीं गए। 8 जुलाई को जस्टिस जी के व्यास सेवानिवृत्त होंगे। इसी तरह जस्टिस दीपक माहेश्वरी, जस्टिस वी के व्यास और जस्टिस डी सी सोमानी भी इसी साल सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में दिसंबर तक हाईकोर्ट में जज 29 ही रह जाएंगे। साल 2017 में हाईकोर्ट में अधिकतम 37 जज कार्यरत थे, लेकिन जस्टिस महेश शर्मा, जस्टिस के सी शर्मा, जस्टिस जे के रांका की सेवानिवृत्ति और जस्टिस दीपक माहेश्वरी, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस गोविंद माथुर के तबादले के बाद ये संख्या फिर से 34 पर पहुंच गई, लेकिन वर्तमान में ये संख्या अब 33 रह गई। जस्टिस अजय रस्तोगी के त्रिपुरा सीजे बनने के बाद कॉलेजियम में भी बदलाव आया। सीजे प्रदीप नंद्राजोग, जस्टिस के ए झवेरी और जस्टिस जी के व्यास कॉलेजियम में है। हालांकि हाईकोर्ट बार अधिवक्ता कोटे से जजों की मांग करता रहा। पिछले एक साल से चर्चा में कई नाम रहे। जयपुर पीठ से अधिवक्ता दिनेश यादव, आरबी माथुर, संजय झवर, एएजी धर्मवीर ठोकलिया, अनिल अग्रवाल, नैना सराफ, तनवीर अहमद, मनीष शर्मा और राजेश गोस्वामी। जोधपुर मुख्य पीठ से अनिल भंसाली, मनीष शर्मा, एएजी अनुराग शर्मा, फरजंद अली, हरीश पुरोहित और मनोज भंडारी, कुलदीप माथुर, राजेश पुरोहित के नाम शामिल हैं। ये बात अलग रही कि जब मार्च 2017 में जजों के नाम भेजे गए तो इनमें से कई अधिवक्ताओं के नाम कॉलेजियम की बैठक में ही आगे नहीं बढ़ पाए। कई नामों को कॉलेजियम ने आगे के लिए डेफर कर दिया, जिसके करीब एक साल बाद 26 अप्रैल 2017 को कॉलेजियम की बैठक हुई और अब एक बार फिर से कॉलेजियम नए जजों के नामों की सूची बनाने के लिए बैठक करने जा रहा है। हाईकोर्ट में शीघ्र 10 जजों की नियुक्ति होगी। सिफारिश के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम की तैयारी में है। न्यायिक कोटे से 4 जजों की नियुक्ति की कवायद है। डीजे अभय चतुर्वेदी, डीजे देवेंद्र कछवाहा, डीजे मनोज व्यास और डीजे सतीश शर्मा के नाम है। कॉलेजियम इन नामों को सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। वहीं अधिवक्ता कोटे के नाम भी बड़ी चर्चा में है। अधिवक्ता विवेक बाजवा, एसएस होरा, राजेश गोस्वामी, संजय झवर, एएजी धर्मवीर ठोकलिया, अनिल बंसाली, फरजद अली, कुलदीप माथुर और हरीश पुरोहित के नाम चर्चाओं में है। सूत्रों के माने तो आगामी दिनों में हाईकोर्ट कॉलेजियम की बैठक होगी और न्यायिक कोटे से 4 नाम सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए जाएंगे। वहीं अधिवक्ता कोटे के नामों पर भी अभी तक राय नहीं बन पाई, लेकिन जयपुर हाईकोर्ट से 4 और जोधपुर हाईकोर्ट से 2 अधिवक्ताओं के नाम जज के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे जा सकते हैं। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।